मेरा नाम चरणजीत सिंह है और मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। हम लोग यहाँ पे लास्ट ईयर जमुना सर्कस लेके आए थे। पिछले साल भी लॉकडाउन में हम लोग यहाँ पे फंस गए थे और 9 महीने बंद था हमारा सर्कस यहाँ पे। 9 महीने के बाद हमने फिर जनवरी में यहाँ पे सर्कस स्टार्ट किया था। जनवरी, फरवरी, मार्च यहाँ पे करीब 2.5 महीने सर्कस चलने के बाद अभी फिर लॉकडाउन की वजह से हम फिर यहाँ पे फंस गए हैं। हमारा यहाँ से बीजापुर हमें जाना था, वहाँ पे ग्राउंड हमें अलॉटमेंट हो गया था, लेकिन परमिशन वहाँ भी हमको मिला नहीं, इसीलिए हम फिर यहीं पे अभी गुलबर्गा में ही हैं। तो लास्ट ईयर जब हम बात करो लॉकडाउन में मेरे थे तो को गवर्नमेंट की मत तरफ करो से मेरे मत को बात काफ़ी करो हेल्प हुआ था, जो कि अभी इस बार उतना नहीं हो पाया है। हम लोग 100 से ज़्यादा स्टाफ है फिलहाल, अभी सर्कस में 60 जने हैं हम लोग। तो अभी हमें खाने पीने का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, पिछले 2 महीने से सर्कस बंद पड़ी हुई है। वो सर्कस जिस तरह से आप चला रहे हैं, आपके पास सर्कस में जानवर भी आप साथ में लेके आते हैं, उनके जी लिए क्या इंतजाम करें आप, कैसा इंतजाम करें? जानवर में मेरे पास में घोड़े हैं, कुत्ते हैं और ऑस्ट्रेलिया वाले पैरोट्स हैं, बस वही है। बस उनको भी खाने पीने में घोड़े का सब कैसा इंतजाम काफ़ी कर रहे हैं खर्चा आ उनके लिए गया। आप? अब तो हम बाहर से लेके अब तक तक कर रहे थे, लेकिन अभी प्रॉब्लम होने लग गया मुझे। आज मेरे एक दोस्त का कॉल आता है, वो कहते हैं कि जिस तरीके से आप सोशल वर्क कर रहे हैं, आपको एक नजर जमुना सर्कस वालों के पास भी जाना चाहिए, क्योंकि वो लास्ट ईयर आए थे, वो लोग बहुत परेशान हैं। तो जैसे हमें पता चला, ह्यूमैनिटी की टीम यहाँ पे 4 बजे विजिट करी, आप लोगों से बात हुई, पूरे सर्कस के जिम्मेदारों से, पूरे लोगों से, तो उन्होंने हमें अपनी नीड बताई, जैसे कि जलाने के लिए लकड़ी, राशन और सोप, सरफ, तेल, जो भी चीजें होती हैं, तरकारी, वेजिटेबल्स, ये सारे चीजों की। तो उसके बाद हमारी टीम मेंबर से डिस्कस करने के बाद फौरन आज ही के आज ही हम लकड़ी और 1.5 क्विंटल चावल और तरकारी, सोप, कपड़े धोने के लिए और मिर्ची, नमक, ये सारी चीज़ें लेकर यहाँ पे आए हैं। जैसे कि आप सभी जानते हैं, गुलबर्गा एनजीओ फेडरेशन इस पेंडेमिक के अंदर काम कर रहा है। इसके अंदर जनाब नासिर हुसैन उस्ताद साहब के पास से 50 किलो चावल हमें दिया गया। मुन्ना भाई दाड़वाड़ से नाम से जाने जाते हैं, उनका कॉल आया उनके तरफ से ही। उन्होंने जब मैं शेयर किया ग्रुप में, तो उन्होंने हमें 50 किलो चावल दिया और एक हमारे दोस्त 25 किलो चावल दिए। उसी तरीके से बुलंद प्रवास कमेटी नजीर भाई, उन्होंने 25 किलो चावल दिए। हमारे आबिद भाई वेजिटेबल्स दिए, तेल तेल दिए। फिर हमारे हुमेन एड से लकड़ी और जितना भी जरूरत का सामान है, जितने साबुन से पूरे लेकर आए हैं, और इनके पास हमारा कॉन्टैक्ट नंबर भी दिए हैं। इंशाल्लाह कल या परसों से जो हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में फूड डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, अब जैसे कि केसेस कम हो रहे हैं, तो वहां पे एक 3 टीम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, उसमें से एक टीम इंशाल्लाह कल से बना हुआ फूड इनके पास लेकर आएगी। और गुलबर्गा एनजीओ फेडरेशन ये बनने की वजह से, एक ग्रुप में मैसेज डालने की वजह से, बहुत सारे लोग आगे आ रहे हैं ऐसे जरूरतमंद लोगों की जरूरत पूरी करने के लिए। क्योंकि ये लोग लास्ट ईयर भी ये लोग परेशान थे, उनको भी प्रशासन यहाँ पे आके कोई देखा नहीं, कोई मिला नहीं। ये शरण बसप्पा मंदिर के पास में ग्राउंड में इनका सर्कस लगा हुआ है, जहां तक भी मेरी आवाज जा रही है, जो लोग भी इनकी हेल्प करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, गुलबर्गा एनजीओ फेडरेशन बिना किसी कास्ट को देखे हुए, बिना किसी मजहब को देखे हुए, सिर्फ एक ह्यूमैनिटी, इंसानियत की बुनियाद पे काम कर रहा है। आप लोग भी उस बुनियाद पे आइए, जितनी जरूरतमंद आपको जहां से भी न्यूज मिलती है, आप उनकी मदद कीजिए। और जिन लोगों को भी एरिया में पानी की तकलीफ है, अनाज की तकलीफ है, खाने की तकलीफ है, गुलबर्गा एनजीओ फेडरेशन से किसी भी मेंबर से आप कॉन्टेक्ट कीजिए, इंशाल्लाह आप लोगों तक भी जरूरत की चीज पहुंचाई जाएगी। जैसा कि आज हमें पता चला कि जमुना सर्कस में पिछले 15 महीने से 100 जने रह रहे हैं, जो कि मार्च लास्ट ईयर 2020 में एक दिन के लिए चला था, उसके बाद लॉकडाउन हो गया, फिर वो लोग 6 महीने अपनी ज़िंदगी ऐसी काटे, उसके फौरन 2 महीने फिर ये लोग खोले हैं। 2 महीने में कोरोना वायरस की जो वबा चल रही थी, उसकी वजह से ज़्यादा इनको रिसोर्स नहीं हुआ, फिर 1-2 महीने के बाद फिर लॉकडाउन हो गया, पिछले 2 महीने से फिर ये लोग इधर ही रह रहे हैं। इनका कोई खाने का वो, ये अब बहुत प्रॉब्लम चल रही थी पिछले 2 महीने से, तो ये लोग अपना ऐसा ही गुजारा कर रहे थे। हमें पता चला, आज हमारे ह्यूमन एड प्रेसिडेंट अजीम साहब को पता चला कि यहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है, आप लोग ऑक्सीजन के लिए काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स के लिए काम कर रहे हैं, मेडिसिन के लिए काम कर रहे हैं, जरा एक नज़र इधर भी डालो बोलकर मालूम हुआ। तो अजीम भाई फौरन 4 बजे इधर आकर हमारे ये जितेंद्र साहब को मिले हैं,
मिलकर उनसे पहुंचे, आप उनसे पूछेंगे कि आपको क्या जरूरत है, तो फिर उसके बाद हम ह्यूमैनिटी से डिसीजन लिए कि फौरन उन्हें लकड़ी की जरूरत थी, तेल की थी, जो जो उनके राशन के किट्स की जरूरत थी, हम हमारे ह्यूमैनिटी ऑर्गेनाइजेशन से डिसाइड करके फिर हमारा और एक ग्रुप बना हुआ है जो गुलबर्गा में मोर देन 22 एनजीओ मिलकर काम कर रहे हैं, गुलबर्गा एनजीओ फेडरेशन, वहां पर ग्रुप में डिस्कशन हुआ। तो मुन्ना धारवाड़ साहब 50 किलो चावल दिए, टीम नासिर हुसैन उस्ताद साहब 50 किलो चावल दिए, एहतियात बुलंद परवाज एहतियात कमेटी 25 किलो चावल दिए, फिर हमारे आबिद भाई जो पिछले कई साल से जो एरिया में गरीबों को लिए खानों का इंतजाम कर रहे हैं उन्होंने भी अपनी तरफ से वेजिटेबल का इंतजाम किया। ऐसा लगभग हम तमाम चीज जमा करके लाकर हमारे भाई साहब को दिए हैं। इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में भी अगर इनको कुछ जरूरत पड़ी तो हमारा नंबर इनके पास है, वो हमें बेधड़क फोन कर सकते हैं और इंशाल्लाह हम जरूर इनकी हेल्प करते रहेंगे। ह्यूमन एड ऑर्गेनाइजेशन और गुलबर्गा एनजीओ फेडरेशन की तरफ से आज जो जमुना सर्कस था उन तक ये जो बेसिक रिक्वायरमेंट थी उनकी फूड राशन फूड वो हम लोगों ने यहाँ पर टीम ने एक प्रोवाइड किया है। ऐसे कई भी अगर गुलबर्गा डिस्ट्रिक्ट में कोई भी माइग्रेंट लोग हैं यहाँ पर फंसे हुए हैं जिसके आ तरफ से लोकालिटी की तरफ से या डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई हेल्प नहीं हो पा रही है तो गुलबर्गा एनजीओ फेडरेशन के किसी भी मेंबर को आप कॉन्टैक्ट करें। हम ऐसे माइग्रेंट जो अदर स्टेट से आए हुए हैं फंसे हुए हैं हम उनकी हॉस्पिटल से लेके और जो भी फूड राशन किट भी है हम उनकी जरूरत को पूरी